पहले मुझे तुम्हारी शक्ल देखनी है कि तुम हो कौन। किसी भी तरह का कोई शौक ना लगे, मत तड़प। अचानक मिलने वाली खुशी या फिर कोई सदमा? डॉक्टर ने कहा था खुशी या सदमा, शौक दोनों से लग सकता है। कहीं मुझे देखकर कुछ हो गया तो? तुम मिट्टू जितनी डरावनी नहीं होना, इसलिए देखना है तुम कौन हो। खुद डरावनी हरकतें कर रहा है और मुझे डरावनी कह रहा है। अगर चेहरा नहीं दिखाया ना तो मैं कपड़े नहीं पहनूंगा। तू पिंकी प्रॉमिस नहीं है, कट्टी है ये। कट्टी हो गई, कट्टी कोई करता है? मैं ना इस घर की पहली मेंबर होंगी जिस गायत्री का चेहरा देख पाऊंगी। हटाओ हटाओ हटाओ। इतनी मुश्किल से इनका भरोसा जीता है, अगर नाराज हो गए तो पास नहीं आने देंगे। धीरे से घूंघट हटाती हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो जल्दी से घूंघट ओढ़ लूंगी। तुम नहीं दिखाओगी तो मैं देखूंगा। मैं तो देखूंगा। ये क्या हो रहा है? मुझे ना आलिया को जाके बताना पड़ेगा कि अभी पागल हो मतलब ये क्या कर रहे हो? चुप आलिया, अरे बेचारी को कुछ हो जाएगा। आलिया, इतना सब कुछ होने के बाद भी इस गुड़िया को संभाले रखा है, मतलब दिल में मेरा प्यार भी संभाल कर रखा होगा। ओके फुगी, अब लग रही हो तुम एकदम फुगी जैसी। जो शादी है वो एक जन्म के लिए नहीं है ना, 7 जन्मों का गारंटी चाहिए मुझे। मेरी डॉले छोड़ो, तुम इतना क्या पकड़ के रखी हो? चले घूमी घूमी। मैंने आपको चेहरा दिखा दिया ना, अब आपको अच्छे कपड़े पहनने पड़ेंगे। आलिया, आलिया, तुम्हें पता है वो अभी को ना दौरा पड़ा है, वो बार बार यही कहे जा रहा है कि उसे वो गायत्री का ना चेहरा देखना है। वो आलिया, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? वो गायत्री ने तो पहले दिन ही बोल दिया था ना कि वो अपना चेहरा हमें नहीं दिखाएगी। मतलब अभी को तो बहुत दूर की बात है, उसने तो ऐसा कहा था ना कि कोई भी उसका चेहरा नहीं दे सकता, यहाँ तक कि औरतें भी। तो हमें क्या करना है? हमने तो बात मान ली थी ना उसकी, क्या कैसे करेंगे? वैसे भी हमें उसके चेहरे से क्या मतलब है, हमें उसके काम से मतलब था, लेकिन अभी अभी उसका क्या करेंगे? भाई को तो मैं संभाल लूंगी, लेकिन आपका क्या करूं? आप जानते हैं ना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर मीटिंग चल रही है मेरी, क्लाइंट अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा है और आप भाई की प्रॉब्लम लेकर आ गई है। इस वक्त भाई इम्पोर्टेंट है या क्लाइंट? क्या बोल रही हो? ये वीडियो कॉल चल रहा है ना, लोग देखेंगे और तुम जो बोल रहे हो ना वो सुन भी लेंगे। म्यूट पर है। स्मार्ट? पर आप कब स्मार्ट बनेंगी? छोटी छोटी प्रॉब्लम मेरे पास लेकर आ जाती हैं।
खुद सॉल्व कीजिए। लेकिन वो मैं काली भाभी आप देख के नहीं चल सकती, यही बात तो मैं भी तुम्हें कह सकती हूँ ना, तुम भी तो देख सकती हो ना कि इस घर में क्या चल रहा है। बस सब कुछ मैं ही देखती रहूँ। वो उधर आलिया को देखो, वो अपनी कॉन्फ्रेंस में बिजी है और मैं क्या हुआ क्या? बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है घर में, पता है अभी अभी को तौरा पड़ा है और वो बार बार यही कह जा रहा है कि उसे वो गाय तड़ी का चेहरा देखना है। अब उसका चेहरा कैसे दिखा सकते हैं बोलो, ये तो नहीं पॉसिबल है ना। ये तो प्रॉब्लम वाली बात है। है ना प्रॉब्लम, लेकिन आलिया के लिए तो ये छोटी सी प्रॉब्लम है जिसके लिए मुझे उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था। ये कौन सी बात हुई भला, मैं क्या करूं? वो अभी उसका चेहरा कैसे दिखेगा, और अगर नहीं दिखेगा तो फिर वो गुस्से में आ जाएगा, क्या करने लगेगा, वो पागल हो जाएगा। और फिर वो अगर प्रॉब्लम होगी तो आलिया हैंडल कर लेगी। अरे जब तक वो हैंडल करने जाएगी ना तब तक वो गाय तड़ी ये घर छोड़कर भाग जाएगी, फिर सारे काम मुझे करने पड़ेंगे, मैं पागल हो जाऊंगी। मैंने अपने पति को इस अभी के लिए छोड़ के गलती तो नहीं की? मैं ना जाकर किचन में खाना बनाती हूँ, मतलब देखती हूँ, मुझे अभी के कमरे में नहीं जाना है। इससे अच्छा तो मैं ना ये घर छोड़कर चली जाती हूँ, मंजरी बट मारी गई थी कि जो मैं यहाँ पर आई, वो गलती से मैंने मुझसे निकल गया। प्लीज नहीं सुना होगा, प्लीज तुम आलिया को मत बताना प्लीज, ठीक है? मैं जा रही हूँ अभी किचन में। अगर कुछ दिनों में अभी की हालत में सुधार नहीं हुआ तो मैं भी बोल दूंगी कि मेरे एक्स हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया है, ही नीड्स मी। तुम यहाँ बाहर क्या कर रही हो? चलो लंच करते हैं, चल के रणबीर के पेरेंट्स को भी बुलाते हैं। ओके पर तुम रणबीर से पीछे हटती हो ना प्राची, तो मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं मीरा आंटी और डैड की शादी रुकवा दूंगी। मेरी माँ के लिए मेरा प्यार रणबीर के लिए मेरे प्यार से कहीं ज़्यादा बढ़कर, और अगर मेरी माँ को उनका प्यार मिल रहा है तो मैं अपना प्यार कुर्बान कर सकती हूँ। मैं 2 मिनट नहीं रह सकती उनके बिना, मैं 2 दिन से यहाँ हूँ सरिता जी, मुझे जाना है। तुमने अगर मेरी खुशी छीनने की कोशिश की ना प्राची, मैं तुमसे तुम्हारी खुशी छीन लूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हारी खुशी कौन से सेफ में लॉक्ड है। प्राची तू ना हर बात को इतना दिल पे मत लिया कर, देख एक ही तो दिल है तेरा, और रिया की बात को तो सोचकर तू बिल्कुल भी मत रो। तू ना बस उसको वैसे सुना दिया कर जैसे मैंने सुनाया। मैंने अगर कुछ भी कहा, कुछ भी सुनाया तो रिया अपना गुस्सा माँ पर निकालेगी। हो सकता है बातों बातों में उसे पता चल जाए कि माँ पापा के लिए उसी घर में नौकरानी। प्राची मैं तो कहती हूँ कि तू रणबीर से शादी कर ले तो तेरा बदला भी रिया के साथ पूरा हो जाएगा, और रिया का किस्सा भी ना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। कुछ भी मत बोल जाना, मुझे नहीं करनी किसी से बात, किसी से बदला नहीं चाहिए मुझे, मुझे ना तू अकेला छोड़ दे थोड़ी देर के लिए बस। प्राची ये एटीट्यूड गुस्सा ना रिया को दिखाना मुझे नहीं, तब तक ना तेरी सारी प्रॉब्लम्स भी दूर हो जाएंगी। शाना बस कर, कसम से मैं ना एक बार वो होशियारपुरिया वाली शाना बन गई ना तो सारे बदले ना रिया से एक ही दिन में ले लूंगी। प्राची माँ की खुशी के लिए रिया जो भी कहेगी ना सुन लूंगी, जो भी करेगी सह लूंगी, अपनी माँ के लिए मैं कुछ भी करूंगी। चाची एक ग्रीन टी ना। आलिया तुमने मुझे बुलाया? हाँ दादी, लंच साथ में करना है। एक साथ करना है? ओह यार राइट दादी। दादी आप तो मंदिर गई थी ना, आपको तो पता ही नहीं है। क्या नहीं पता है? यही कि परसों रिया और रणबीर की सगाई तय की है, कुंडलियां भी पंडित जी को भेज दी हमने। ये हो क्या रहा है इस घर के अंदर? मुझे लगता है तुम सबका दिमाग खराब हो गया या तुम लोग अंधे हो गए। अभी की हालत ऐसी है और तुम लोगों ने जाके उसकी बेटी की सगाई तय कर दी, जश्न मनाने का शौक हो रहा है। क्या करें? भाई की तरह आपने आपको रूम में लॉक कर दें। आप जानती है ना भाई ठीक नहीं है, और पता नहीं भाई ठीक हो पाएंगे या नहीं, तो क्या करें हम? अपनी खुशी के बारे में, घर की खुशी के बारे में नहीं सोचे? भाई की तरह एक काम करते हैं, हम भी पापा आलिया चलाइए मत। रियो और रणबीर की शादी भाई की विश थी, ये तो भाई की शादी की वजह से ये सब प्लान डिले हो गया, वरना रियो और रणबीर की शादी बहुत पहले ही हो जाती। ये सब कुछ जो हो रहा है ना ताईजी की वजह से हो रहा है।
वेल दादी ताई जी की बातें बहुत अच्छे से समझती। ताई जी अगर दादी को अभी की कंडीशन के बारे में थोड़ा अच्छे से समझाती तो वो शायद हमारा डिसीजन सही लगता। Am I right, आलिया? तनु घर की फैमिली मेंबर नहीं है पर फिर भी बात समझ गई। और आप घर की मेंबर होके बात समझ नहीं सकती हैं। और राज भैया आप क्या कर रहे हैं? आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ गई है, ऑफिस की, घर की, पागल हो जाऊंगी मैं। Yeah, I'm trying my best. तो घर में बेस्ट क्यों नहीं हो रहा है राज भैया? वाले घर तो तुम्हारे हाथ में है ना, क्या कम है क्या ज्यादा ये तुम्हें देखना है, मुझे क्या? घर भी मैं ही देखूं। भगवान के लिए लड़ना बंद करो। आप सब चुप हो जाइए प्लीज। आलिया लो, विक्रम और पल्लवी भी आ गए। तुम तो बात ऐसे कर रही हो जैसे यहाँ हमारी ही बात हो रही थी। ऑफ कोर्स, दादी पूछ रही थी कि तुम दोनों कब आओगे, कम ना। क्या दादी, आप हमारी वेट कर रही थी लेकिन जिसकी लड़की की सगाई है वो कहीं दिख नहीं रहा। कहाँ है मेरा कमीना दोस्त? है कहाँ वो? विक्रम तुम्हें तो भाई की मेंटल कंडीशन पता है, वो ठीक से खाना नहीं खा पाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे और फिर गुस्से में किसी के ऊपर प्लेट मार दी। आई एम सॉरी विक्रम, तुम्हें मेरी बात का बुरा लग रहा होगा। आई एम सॉरी टू हर्ट यू बट इट्स ओके। तो चलो खाना शुरू करें। जिसके लिए हमने ये सब अरेंज किया है वो तो है नहीं यहाँ पे। मैं रणवीर को बुला के लाता हूँ। राज भैया आप बैठिए ना, विक्रम है ना, विक्रम बुला लेंगे रणवीर को। हाँ बैठी बैठी, बेटे की सगाई है तो बाप ही दौड़ेगा ना, और कौन दौड़ेगा। अभी आया। आलिया रिया कहाँ है, उसे बुला लाओ ना। श्योर, वो अपने रूम में ही होगी। बसंती। यस मैम। बसंती रिया को जाके बुला लाओ, वो अपने रूम में होंगी। कौन है? मैं हूँ। मैं कौन? अरे आप ये पहनेंगे? नहीं। ना? वो। अब कौन है? मैं हूँ। अभी भी मैं हूँ। अरे आप ये पहनेंगे? ना। अरे क्या तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो, मुझे डराना था ना। सॉरी, अब कर लीजिए। अब पूछो। अब कौन है? मैं हूँ। मैं कौन? अरे फिर से आप ये पहनेंगे? ये एक बात बताओ, ये ड्राइंग बनानी आती है? आती है लेकिन इतनी अच्छी बनानी नहीं आती। क्या हो गया? मैंने कहा था ना तुमसे कि तुम मेरी डॉल जैसी हो। हाँ लेकिन तुम तो मेरी डॉल जैसी नहीं हो। तुम मेरी डॉल जैसी बनना चाहती हो तो तुम मेरी डॉल जैसी तब बनोगी अगर 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 डबल बैटरी। डबल बैटरी का मतलब पता है तुम्हें? पता है? चश्मा नहीं आता तुम्हें,
हाँ, मेरी तरह ड्राइंग बना सकती हो, मैं ताली दे सकती हूँ, तुम ना एक नंबर की बच्ची हो जी। बातें बनाने आपको आज भी आते हैं, बस आज आपको अपनी बातों का मतलब ठीक से नहीं पता। ओफो, बेस्ट फ्रेंड्स की यही तो टैलेंट है, मतलब इशारों इशारों में सारी बातें हो गई और किसी को कुछ पता नहीं चला। क्या बातें हो रही थी? एक्चुअली मैं आलिया को कह रही थी कि वो तुमसे बात करे कि रणबीर का क्या कहना है। आई मीन सगाई की बात सुन के उसके स्ट्रेंज रिएक्शंस थे, और बात बहुत सिंपल है, ये रिश्ता अभी की विश थी और उसने तुमसे बात की और तुमने रणबीर से बात की, बट अचानक तुम्हें हार्ट अटैक हो गया एंड आई एम रियली सॉरी टू हियर दैट, और बात वहीं रुक गई। पर तुम्हारे हॉस्पिटल से बाहर आने के बाद तुमने रिया का हाथ मांगा और रिया ने रणबीर से बात की, रणबीर भी रेडी था, राइट ना? मेरी कोई मजबूरी नहीं है रिया से शादी करने की, मेरी मजबूरी थी आपकी सेहत जो कि अब बिल्कुल ठीक है, तो नाउ मैं रिया से शादी ही करना चाहता। तो जब सब ठीक था तो अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम जो भी हो वो इस घर की बात है, तुम्हारा इस बीच में बोलना बनता नहीं है, हम दोनों फैमिलीज हैं, आपस में सॉर्ट आउट कर लेंगे। तनु भी तो वही कह रही, जब फैमिली बात कर चुकी है तो वो दोनों बात क्यों नहीं कर रहे? राइट, बोलो पल्लवी, रणबीर की अगर पहले हाँ थी तो अब ना क्यों? मैंने हार्ट अटैक का झूठा नाटक किया तो रणबीर ने हाँ कह दी, अब उसे मेरे झूठ का पता चल गया है इसलिए ना कर रहा है। पल्लवी, जवाब नहीं दिया तुमने। वो आजकल की तो जनरेशन ही ऐसी है ना, आजकल की जनरेशन क्यों, हमारी जनरेशन भी तो ऐसी ही थी, मतलब जब मैं रणबीर की उम्र की थी तब मुझे शादी नहीं करनी थी, और अब देखो शादी भी हो गई और बच्चे भी हो गए, और उन्हीं बच्चों के बारे में हम आज बात कर रहे हैं। आई जस्ट थिंक कि रणबीर का मूड खराब था इसलिए। रणबीर के नाम पर तुम्हारी ये गिल्ट वाली फीलिंग अच्छी है पल्लवी, क्योंकि अब तुम रणबीर को मनाने के लिए कुछ भी करोगे। मूड ऑफ था या फिर वो ये रिश्ता ही नहीं चाहता? नहीं नहीं, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है। रिया कहाँ है? उसे उसे तो बुलाइए पहले। हाँ, आती ही होगी रिया। रिया आ गई, लेकिन वो तो बाहर से आ रही है। हाय स्वीटहार्ट, आ गई तुम, कम हैव लंच विद अस। लगता है रिया नाराज है, बाहर वॉचमैन से झगड़ा हो गया होगा। आई जस्ट चेक ऑन हर। सारे के सारे अंधे हो गए, पागल है। मेरे बच्चे को पागल बोलते हैं, भगवान देखेगा इन्हें। ये पहनेंगे? ना ना ना। अरे ये सॉरी। ना 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 ना। लेकिन इन कपड़ों में ना डंडे की मार नहीं लगेगी। कपड़ों में धंधे की मार नहीं लगेगी? नहीं लगेगी। नहीं लगेगी? नहीं लगेगी। नहीं लगेगी? नहीं लगेगी। नहीं लगेगी। नहीं पहनूंगा। क्या? पहनूंगा, 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 इसे तो पहनूंगा, सबसे पहले पहनूंगा, अभी पहन लूं। हाँ, ये क्या कर रहे? या ऐसे वॉशरूम में चेंज कीजिए। क्यों, तुम तो मुझे पसंद करती हो ना, तुम्हारे सामने चेंज कर सकता हूँ। नहीं, लेकिन मुझे पसंद नहीं करती? करती हूँ ना। प्रॉब्लम क्या है? लेकिन बड़े बच्चे तो बड़े बच्चे ना वॉशरूम में चेंज करते। अब आप बताइए
आप छोटे बच्चे हैं? तो फिर सारा छूना नहीं। अरे कल से ना मेरे कपड़े हर रोज तुम्हें चूज करना। चूज कर भी सही महसूस कर गया। अब गायत्री ये अरे आओ ना इधर पकड़ो इसे। ये अभी का खाना है, वो नीचे ना फैमिली लंच शुरू होने वाला है ना, तो मुझे वहां सब संभालना होगा ना। यहाँ तुम संभाल लेना, मैं यहाँ तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। ठीक है ओके।